नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया में। मैं हूं प्रशांत शर्मा। बीसीसीआई ने हाल ही में सभी खिलाड़ियों की सालाना इनकम की सूची जारी की है, जिसमें सभी खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेड की सूची में रखा गया है। इसमें खिलाड़ियों को ग्रेड ए कैटेगरी से लेकर ग्रेड सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसमें कई खिलाड़ियों को सालाना अच्छी सैलरी मिलेगी। तो वहीं दिग्गज खिलाड़ियों का डिमोशन भी किया गया है, जिसमें हाल ही में टेस्ट टीम से बाहर हुए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का नाम शामिल है। इसके अलावा रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या को भी झटका लगा है। सबसे पहले बात करें ग्रेड ए प्लस की श्रेणी वाले खिलाड़ियों की, तो इस सूची में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही रखा गया है। इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। इस ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। ग्रेड ए खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ का वेतन मिलता है। इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ऋषभ पंत को जगह दी गई है। वहीं ग्रेड सी में ग्रेड ए से डिमोट हुए खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा हैं, जिन्हें अब सालाना 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इस सूची में अगर किसी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो खिलाड़ी हैं रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या, जिन्हें ग्रेड सी में डाल दिया गया है, जहां इन खिलाड़ियों को अब सालाना 1 करोड़ रुपए की इनकम मिलेगी। टीम में चयन को लेकर हुए विवाद के बाद रिद्धिमान साहा को ग्रेड बी से ग्रेड सी में डिमोट किया गया है। साहा पर बोर्ड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन की जांच भी चल रही है। उनके अलावा अपनी फिटनेस से जूझ रहे हार्दिक पांड्या को भी इस सूची में जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या लंबे समय से ही भारतीय टीम में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनका भी डिमोशन कर दिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।